हम सुबह सुबह उठ गए हैं देख, लेकिन लाइन के लिए लंबी लगी दर्शन। बसोरिया जाग गई गो कुल की गैया, तुम भी जागो अब हे कन्हैया, तुम भी जागो अब। लाइव मॉर्निंग लाइव 5:10। हेलो गाइस, हम सुबह सुबह उठ गए हैं देख, लेकिन लाइन के लिए लंबी लगी दर्शन। हमें कल दर्शन हो गए थे पर अभी हमें और नजदीक से करना है। यस, नाउ देखिए अब लाइन कहां से शुरू कर रहा है। वाह, एंड पे साफ दिखाया था, वहां तक जा रही है। बहुत सुंदर है। देखिए गाइस, आपको दिख रहे होंगे, हम रात को जब आए थे तो हमें बर्फ़ के पहाड़ नहीं दिखे थे। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बयान नहीं कर सकते यहाँ की खूबसूरती। ये देखिए पूरा कैलाश पर्वत और ये बोले अमेजिंग। लाइन देखिए गाइस, सुबह 3 बजे से लगना शुरू हो जाती है। कितने प्यारे लग रहे हैं केदारनाथ, और हमें लाइन में हो गया 5:30 बजे से खड़े हुए हैं और अभी से हो गया 6:30। सही में 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। देखो लाइन हमारी ख़त्म नहीं होने की, आधी 5 बजे दर्शन शुरू हुए थे वो खड़ी दीपिका। हम सिर्फ वहाँ से ब्याच एंटी आ गई यहाँ ही लग रहा। तो भक्तजनों, अगर दर्शन करने हैं केदारनाथ जी के, जल्दी रेडी होके लाइन में लग जाना क्योंकि लाइन बढ़ती ही जा रही है, बहुत पीछे चली रही है, पीछे रही है। जय भोलेनाथ, लेकिन भोले बाबा सब कुछ करा देंगे जरूर आए तो। जय भोले बाबा साथ, और अभी भी लगे हुए हम लाइन में, हमारे साथी लोग भी आ गए ज्वाइन करने, बहुत देर हो गई है। बाबा जी वेट करा रहे सही, लेकिन उनका वेट भी मुझे लगा होगा। ये जो हेलीकॉप्टर है बिल्कुल मंदिर के जस्ट पीछे जाता है, अगर जल्दी बच्चे बैठते हैं ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से 100-200 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जाता है बहुत अच्छा है। बाबा जैसे बोला आ गया भाई, बाबा के दर्शन कर लो। दर्शन हो गए हैं, सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए थे, 5 बजे ही पहले गए और अब जाके हमारे दर्शन हुए। 9 बजे रहे ना, हाँ एक मिनट, फाइनली भोले शंकर ने हमसे 9:17 इंतजार करवाया, हमारे दर्शन हो गए। ये नंदी बाबा है, ये नंदी बैल है, दर्शन करते हैं। गाइस सीरियसली मैं ये फीलिंग बयान नहीं की जा सकती, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है, रियली फीलिंग ऑसम। हर हर महादेव।
जिम ट्रेनर है, बंदों को आके घुसाते हैं, लाइन हमारी बढ़वाते हैं। ऐसे लोगों को लाइन में ना लगाए जो जो जिसके साथ चक्कर से नंबर ही ना है। आप टीका नहीं लगवाए? टीका लगवाइए, अच्छा लगेगा। बोलेगा जय बोलेगा, जय बोलेगा, जय महादेव। मंदिर लगा था और आपको लगवाना है, तो यहाँ पे ये पंडित बैठे हैं। भीड़ लो पूरी, बोले बाबा की देखो भीड़। जय भोलेनाथ, जय महादेव। हेलो गाइस, तो हो गए हमारे दर्शन। यस, फाइनली। और हमने कर लिया नाश्ता बिल्कुल हमारे भोले बाबा केदारनाथ के सामने। ये देखिए बिल्कुल पीछे, और जस्ट नीचे उतरते ही हमने नाश्ता किया 10 मिनट की दूरी पर। बेस्ट नाश्ता है, और बेस्ट इसलिए क्योंकि केदारनाथ जी सामने है। दैट्स इट। और लाइन देखो अभी भी कितनी चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। ये देखिए गाइस, ये वही शिला है जिससे इतनी बड़ी तबाही से ये मंदिर बच गया था। भोले बाबा की कृपा है, तो ये आज पूजा की जाती है। और भोले बाबा की कृपा से मेरे को दर्शन हुए कल, मतलब 5 मिनट में दर्शन कराया मुझे बाबा ने। कैसे? बस जाते अंदर घुसा दिया। और क्या मजा आ गया। थैंक्स टू एवरीवन, टू ऑल माय टीम मेंबर्स, एंड बिग थैंक्स टू माय भोले बाबा, आई लव हिम। गाइस चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे थोड़े भोले बाबा बैठे रहते हैं ना, वो दिखाते हैं। देखकर ये मंदिर को देख के आँख में जो तृप्त हुई है ना, सारी थकान चली गई। तो मतलब ट्रैकिंग कैसा था, मतलब थोड़ा बताइए। 16 किलोमीटर नाम का है। अच्छा। अराउंड 20 किलोमीटर कंफर्म है। कंफर्म तो 20 से ज्यादा लगा। 20 कंफर्म है। और कैसे कैसे आपने पार किया, थोड़ी क्या मुश्किलें आई? बहुत ज्यादा मुश्किलें आई। एक समय ऐसा भी आया कि बस गिव अप कर दो। बट नहीं, भोले बाबा के पास जाना था, मिलना था उनसे, उनकी पुकार बुलबुला रही थी, बस आ जाओ, बस ऐसा नहीं होता बार बार, बस आ जाओ बस। तो हमारे जितने भी टीम मेंबर्स थे वो ऐसे ही बोल रहे थे, बस चलो बस तुम कर सकते हो। तो उनको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एक दूसरे का साथ। रियली अकेले थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अकेले भी कर सकते हो, दूसरे को फॉलो कर लेना। बस भोले बाबा की कृपा आएगी तो सब हो जाएगा, सब करवा देंगे बोले बाबा। विशाल गाय भीम पत्थर, चलिए गाइज। लोगों ने कितने सारे घर बना रखे हैं यहाँ पे पत्थरों से। बनाऊं? हम भी बनाते हैं। देखो अपन तो क्या करेंगे, बिल्डिंग विल्डिंग तो चाहिए नहीं। मेरे को तो एक छोटू सा घर, सामने बगीचा, कार पार्किंग, एंड यहाँ पर कुछ नहीं, बस जय बोले बाबा। हर हर महादेव। गाइस
एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में मैंने इससे मुश्किल ट्रैक नहीं देखा है। मैंने भी लिटरली मतलब इतनी ऐसी हालत हो गई थी कि लाइक ऐसा लग रहा था कि नहीं आप एक कदम में नहीं चला जाएगा, लेकिन एक बोले बाबा एक हिम्मत तो देते ही हैं चलने की, क्योंकि आखिरी की जो 6 किलोमीटर है ना वो ऐसे थे जो कभी नहीं खत्म होने वाले थे। सही में खत्म होने में नहीं आ रहे थे, ऐसा लग रहा था अब आएगा अब आएगा अब आएगा, रास्ता ही नहीं इतना लंबा होता जा रहा था, लेकिन फिर भी हमने किया। आप भी कीजिए, आइए भोले बाबा की दरबार में हर हर महा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।